इस वीडियो वी विल डील क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.6. इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक मेथड, इजंट इट. तो हमें देखिए यहाँ पर थ्री इक्वेशन गिवन है. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इस बार जो सिलेबस आएगा 70% उसमें प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन रिमूव हो गए, डिलीट हो गए, तो इसलिए इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है. वैसे तो हर साल ये आता था, इस बार और ज़्यादा चांसेस हैं इसके, इस टाइप के क्वेश्चन के. तो देखिए वी हैव थ्री सिस्टम इक्वेशन हेयर एंड वी नीड टू फाइंड आउट हेयर, सोल्व करना है इसे, एक्स और वाई की, एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में. सो इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखिए ये थ्री इक्वेशन है, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स इक्वस टू बी, इजंट इट. अब ये ए एक्स इक्वस टू बी क्या है, देखिए यहाँ पर अगर हम ए की बात करें, वेयर ए इक्वस टू मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में जो आपकी वैल्यू गेट होंगी हमें, देखिए इसके कोफिशियंट एक्स, एक्स इसमें तो एक्स है नहीं लास्ट वाले में, तो जीरो एक्स राइट कर देंगे हम, क्लियर. तो जो इनके कोफिशियंट है उसे फर्स्ट कॉलम में लिख दो, वन टू वन टू वन ज़ीरो, किसके कोफिशियंट, एक्स के कोफिशियंट. वाई के कोफिशियंट को सेकेंड कॉलम में राइट कर दो, वन माइनस टू थ्री. एंड जेड के कोफिशियंट को थर्ड कॉलम में राइट कर दो, वन माइनस वन फाइव, इजंट इट. ये तो हो गया ए की वैल्यू, क्लियर. नेक्स्ट काय की वैल्यू राइट करनी है हमें, एक्स की. तो एक्स की वैल्यू हमारी होगी एक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड, इजंट इट. तो फिर बी क्या होगा, बी हमारा होगा ये जो इक्वल के इधर रखा हुआ है ना, ये हमारा बी होगा, ठीक है. तो वी कैन राइट एंड बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स में वन थ्री ओवर टू नाइन, ये हमारी बी की वैल्यू हो गई, ठीक है. अब देखिए हम इसको अगर कन्वर्ट करें, अगर मैं इसको ए को इधर पहुंचा दूं, देन वी गेट एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी, ए इधर जाकर इनवर्स में चेंज हो जाएगा, क्लियर. तो दो हमारी फर्स्ट हमें क्या करना है, ये ए इनवर्स को फाइंड आउट करना. एंड वी नो वेरी वेल ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट होता. तो पहले हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे, बाद में कोई वर्क करेंगे इसके बाद. तो देखिए ए इनवर्स के लिए पहले फॉर ए इनवर्स, फॉर ए इनवर्स सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड आउट करनी पड़ेगी. क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एडजॉइंट ए. तो पहले हम एडजॉइंट ए को फाइंड करेंगे, ठीक है. तो एडजॉइंट के लिए पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा. तो पहले देखिए ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम, टू टू वन ज़ीरो, वन माइनस टू थ्री, वन माइनस वन फाइव. तो किस में एक्सपेंड करना चाह रहा हो, आर वन में एक्सपेंड कर दूं, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टू ब्रैकेट ये इसका रो कैंसिल, इसका कॉलम कैंसिल, माइनस टेन प्लस थ्री, फिर आ गया माइनस वन, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, फाइव ज़ीरो, ठीक. और लास्ट में वी विल हैव हेयर फाइव, तो रो कैंसिल कॉलम कैंसिल थ्री माइनस ज़ीरो. तो जो हमें गेट हो गई वैल्यू, टू ब्रैकेट माइनस सेवन माइनस माइनस वन ब्रैकेट फाइव और वन ब्रैकेट थ्री. सो वी विल गेट हेयर माइनस फोर्टीन माइनस फाइव प्लस थ्री, वी विल हैव हेयर माइनस 16, डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. तो इनवर्स एग्जिस्ट है भाई, जब 16 वैल्यू हमें गेट हो गई,
किसकी वैल्यू गेट हो गई 16। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करिए यहाँ पर। अब देखिए आर वन में एक्सपेंड कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो पहले आर वन में 2 आ गया, रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, 10 प्लस 3 माइनस 1, रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, सो माइनस 5 और 0, 0 लिख दो यहाँ पर, चलो माइनस 0। सिमिलरली 1 आ गया, रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, 3 माइनस 0, सो वी विल गेट हेयर 2 मल्टीपल 13 माइनस 1 मल्टीपल माइनस 5 और प्लस 1 मल्टीपल 3, वी विल हैव हेयर 26 प्लस 5 प्लस 3, देन फाइनली वी विल गेट हेयर 34 डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो इट मीन्स दैट इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं था, इजंट इट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नाउ वी नीड टू फाइंड आउट हेयर कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड करने हैं? कोफैक्टर, तभी तो एडजॉइंट है मिलेगा। तो कोफैक्टर के लिए फर्स्टली हम यहाँ पर देखिए, फॉर कोफैक्टर, कोफैक्टर ए वन वन फाइंड करेंगे पहले। तो ए वन के लिए हमारा 1 माइनस, बट डायरेक्टली कर रहा है या तो पॉजिटिव साइन ले लो, ठीक, क्योंकि ये तो कोफैक्टर तो फाइंड करने आते ही मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। देखिए पहले ए वन वन ये है, तो रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, 10 प्लस 3 13 आ गया, ठीक। ए वन टू, ए वन टू में देखिए जोड़ के ओड हो जाएगा नंबर, जोड़ कर ओड हो जाएगा, तो माइनस ले लिया, रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, ये आ गया माइनस 5 0, तो 5 गेट हो गया, ठीक है। ए वन थ्री ले लो, ए वन थ्री में क्या आ जाएगा, प्लस, रो भी कैंसिल, रो भी कैंसिल और कॉलम भी कैंसिल, तो 3 माइनस 0 3 गेट हो गया, इजंट इट। अब चलिए, अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट फाइंड करेंगे ए टू वन, ए टू वन फाइंड करो, ए टू वन। तो ए टू वन के लिए क्या करेंगे बताओ, हम ए टू वन के लिए हमने राइट करा है यहाँ ए टू वन, ए टू वन के लिए देखिए रो भी ये है ए टू वन, रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, माइनस 5 और माइनस 3, सो वी विल गेट हेयर, और यहाँ भी माइनस आएगा आपका, माइनस फाइव माइनस 3, तो हमें गेट हो गया 8, ए टू वन। ए टू टू, ए टू टू के लिए क्या आएगा, ये रहा ए टू टू, देखिए रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, माइनस 10 0, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, इवन है जुड़कर 4 आ रहा, तो माइनस 10 आ गया। देयर आफ्टर ए टू थ्री, टू थ्री में ये आ गया, ये आ गया टू थ्री में, रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, तो 6 माइनस 0, माइनस आएगा क्योंकि प्लस करके 5 माइनस 6 आ गया, ठीक। अब उसके बाद हम चलेंगे हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वी विल फाइंड हेयर ए थ्री वन, ए थ्री वन फाइंड करो, ए थ्री वन के लिए आओ, ए थ्री वन ये रहा देखो, इसका रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, सो वी विल गेट हेयर रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2, सो वी विल गेट हेयर 1, ए थ्री टू, ए थ्री टू देखिए यहाँ पर प्लस आना था, यहाँ पर माइनस आना, तो रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, सो माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 आ गया, और ए थ्री थ्री में आपका आ गया, ए थ्री थ्री में प्लस आ गया, रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1, तो माइनस 5 गेट हो गया। तो ये हमें हमारे कोफैक्टर गेट हो गए। देखिए यहाँ पर हमने एडजॉइंट ये जो होता है ना, ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता,
ठीक है, ये हमसे अच्छे से फाइंड करना आता है, पिछले एक्सरसाइज में किया है हमने। तो भाई यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए A11 की वैल्यू भी है भैया 13, सिमिलरली A12 की वैल्यू भी है 5 और A13 की वैल्यू भी है भैया 3। ठीक, सिमिलरली 8 माइनस 10 माइनस 6 और 1 3 -1, मतलब मैंने पहले से ही इसका ट्रांसपोज कर लिया है। क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमें फाइंड करना था ए इनवर्स। बिफोर दैट पॉज डाउन कर लो वीडियो को। ठीक है, चलो कर ली। तो अब देखिए इसके बाद हमने ये सारा करने के बाद हमें क्या फाइंड करना, मेन ए इनवर्स फाइंड करना। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू होता हमारा एडजॉइंट ए ओवर ए डिटरमिनेंट। क्लियर। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू वी है वेयर 13 5 3, 8 -10 -6, 1 3 -5 और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू वी है वेयर, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हमारी, ए डिटरमिनेंट की हमारी वैल्यू है यहाँ पर, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू वी है 34। ठीक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको उसमें पुट करना, बस किस में पुट करना, वैल्यू में। क्या थी हमारी वैल्यू, देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू थी एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, यही तो था। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी आ गई 1/34 और ये आ गया हमारा 13 5 3, 8 -10 -6, 1 3 -5। क्लियर। और बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी की वैल्यू बुक पे 1 3/2 9, ये वी हैव बी की वैल्यू, इज इट इट। और एक्स की वैल्यू वी हैव एक्स वाई जेड ही तो फाइंड आउट करना था हमें। अब इसकी क्या करो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, रो की कॉलम से मल्टीपल होती 1/30, तो ऐसे ही रखा रहा है। इसके बाद हमने रो की कॉलम से की तो 13 की 1 से हो गई, 8 की इससे हो गई और 1 की इससे हो गई, प्लस ये हो जाएगा 2 4 12 हो जाएगा, 2 4 2 4 4 3 12 और ये 9 हो गया। ठीक। ऐसे सेकंड रो की भी कर दो 5 -15 इजंट इट, और 3 9 27, बीच में प्लस का साइन आता, पहले भी कर चुके हैं मल्टीप्लाई, तो वी नो वेरी वेल अबाउट दैट। 3 -9, 2 2 3 6, 3 3 9 और 45। अब देखिए क्या बना आपका 1/34 और ये आपका बन गया जी यहाँ पर, ये आ गया ऐड होकर कितना आया, ये 34 ही आएगा। चलो ठीक है, तो 34 आ गया। अब इसको बताओ क्या आएगा, -10 है, 17 लिख दूँ, चलो 17 लिख दिया प्लस के, और ये 3 -6 और 6 में मैं किसको जोड़ दूँ, 6 में 45 को जोड़ दो तो 51 लिख दूँ माइनस के। ठीक है, अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई प्रॉब्लम है अब तक, नहीं है तो इसको ना इसके अपोन में ले जाता हमें, ये तो मेरा एक्स वाई जेड चल ही रहा था, ये तो एक्स वाई जेड चल रहा और यहाँ मैं इसके अपोन में ले जाता तो ये 1 आ गया, ये आ गया 1/2 और ये आ जाएगा माइनस के 3/2। देख लो, चेक कर लो, डिवाइड करके देख लो। तो फाइनली जो x की वैल्यू आ गई मेरी 1, जब मैंने कंपेयरिंग की तो y की वैल्यू वी है 1/2 और z की वैल्यू
जेड इक्वल्स टू वी हैव हेयर जेड इक्वल्स टू माइनस थ्री ओवर टू, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वी कैन से, यही हमारा। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन सिस्टम इक्वेशन के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 4.6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।